ये देखो कैसा अपनी शॉप्स इन्होंने ढक के रखी हुई है। पानी देख लो वहाँ पर कैसे भरा हुआ है, पूरा समुंदर बना हुआ भाई। यहाँ पर आपको डंबल्स भी मिल जाएंगे, ये रखी हुई है। ये लो जी भैया 200 रुपये की पेंट है यहाँ पर भाई। जो भी जिस पर आएंगे आप यहीं पर ही अपना शॉप करें। स्कूटर लेने वाले भी परेशान, बेचने वाले भी परेशान। लोगों पंजाबी बहुत गोल चक्कर पे पहुंच चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी चालू हो चुकी है। ये देखो बूंदे गिर रही हैं इस पे कैसे। ये देखो तो भाई यहाँ पे ये लोकेशन पे अपने भाई से अपने दोस्त से बात हुई थी कि इस लोकेशन पे हमें मिलेगा वो। तो भाई वो आ रहा है ऊबर करके, ओला कैब में आ रहा है वो। यहाँ पर आता है तो फिर मिलते हैं, फिर यहीं से सीधा चलेंगे। ये रोहतक रोड वाला रोड है, सीधा यहीं से लाल किला चलेंगे, फिर आपको वहाँ पर ब्लॉग बना के दिखाएंगे कैसा क्या है क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पर खड़े खड़े 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बाबूजी अभी तक पहुँचे नहीं हैं। बाबूजी कह रहे हैं हम रजौरी गार्डन पहुँच चुके हैं। वो आ रहा है उत्तम नगर साइड से, रजौरी गार्डन से लेफ्ट हो चुका हूँ। अब देखते हैं बाबूजी कहाँ पहुँचे हैं। बाबूजी ने टाइम लगा दिया लेट, और दिन भी चढ़ चुका है और बारिश भी आ रही है धीरे धीरे। बस बारिश ना आए यार, मेन तो आपको सब कुछ दिखाई देंगे, बारिश ना हुई तो बाजार लग ही जाएगा। तो देख लो इस बंदे की वजह से लेट हो चुके हैं हम। टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम दिखाओ भाई ऑडियंस। 6 बजे तो भाई साहब देख लो 6 बज चुके हैं, आधे घंटे से मेरे को खड़ा कर दिया है बंदे ने यहाँ पर। तो देख लो तो चलते हैं हम लाल किला, आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या मिलता है वहाँ पर। ठीक है भाई, वीडियो में बने रहो भाई, स्किप मत करना वीडियो को, इतना कुछ पता नहीं लग पाएगा। शिव मंदिर आ चुका है और इसके साथ में ही हमारा लाल किला भी दिख जाएगा आपको। तो ये देखिए हमारा लाल किला, तिरंगा झंडा फहरा रहा है, उसमें कैसे लहरा रहा है। ये लो जी मंदिर आ चुका है जी। तो भाइयों ये है पार्किंग है कि अपनी स्कूटर या बाइक जो भी जिस पर आएंगे आप यहीं पर ही अपना पार्क करें स्कूटर, अदरवाइज आपको बाहर से पुलिस उठा के लेके जा सकती है यहाँ पर, और होगा भी लेके जाएगी वो यहाँ पर। और हालत देख ही सकते हो आप कैसा भीग चुका हूँ मैं पूरा। इधर बाबूजी भी भीग चुके हैं, ये देख लो पूरा। और बारिश देख लो कितनी तेज आ रही है, पूरी रोड पे बारिश ही बारिश हो रखी है। तो ऐसी हालत में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, सोचा नहीं था ऐसा बारिश होगी लेकिन हो चुकी है चालू। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। देख लो आज सबने अपना माल ढक के रखा हुआ है, यहाँ पर बारिश आई जा रही है लगातार। ये देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो बाज़ार था सारा उठ चुका है इस टाइम पर, यहाँ जूते वगैरह लगे हुए हैं सारे। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई क्या ही हाल है बाज़ार का। जूते वूते मिल रहे हैं यहाँ पर, बारिश में बुरा हाल है, बुरे लोगों को देख लो भाई कैसे बिखर चुके हैं। इधर कपड़ा मार्केट है सारी, और इधर शूज़ मिल रहे हैं आपको। हम भी पूरी तरह से कैसे भीग चुके हैं भाई, बुरी तरह से, बिल्कुल बुरी तरह से भीग चुके हैं हम। देख लो भाई भीड़ फिर भी कम नहीं है यहाँ पर, भीड़ फिर भी है यहाँ पर थोड़ी बहुत। पेड़ देख लो, पेड़ के नीचे थोड़ा बहुत बंदे बैठे हैं यहाँ पर, बाकी अदरवाइज कुछ है नहीं यहाँ पर। जूते वूते ही मिल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो हम आपको दिखाते हैं अभी अंदर जाकर, अगर लगी होगी तो।
देख लो भाई लोग कैसे बारिश से बचते हुए कोनों कोनों में छुपे हुए हैं कि हमें भाई भीग ना जाए, लेकिन हम तो भीग ही चुके हैं इसलिए आपको पूरा दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ से। भाई देख लो कितना पानी है यहाँ पर, कितनी मुश्किल से जाना पड़ रहा है यहाँ पर, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर यार, पानी पानी हो रखा है सारी जगह पर, देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। यहाँ कपड़े वगैरह टी शर्ट वगैरह लगा रखे हैं बहुत यार, ओ पप्पू आई देख लो भाई, यहाँ पर आपको डंबल भी मिल जाएंगे, ये रखे हुए हैं, बेंच भी मिल जाएगा यहाँ पर, और भी भाई ने अंदर गाड़ी में सामान रखा हुआ है, यहाँ आपको बेड मिल जाएंगे, बेड रखे हुए हैं, ये लो जी भैया 200 रुपए की पेंट है यहाँ पर, ये लो जी 200 रुपए में पेंट मिल रही है भाई, किसी को चाहिए हो तो भाई आगे ले सकता है यहाँ से, ये झिझक हो गए, ये लो जी जिम वाला सामान एक और आ गया है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, देख सकते हो भाई जगह की क्या ही है यहाँ पर, ये पूरा मैदान है यहाँ पर, यहाँ पर भी बाजार लगना था जिस चक्कर में लग नहीं पाया यहाँ पर, ये देख सकते हो भाई लोगों ने अपना सामान पन्नियों में ढक ढक के रखा हुआ है, ये यहाँ पर इस भाई की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ बेच रहे हैं यहाँ पर, ये देखो कैसा अपनी शॉप इन्होंने ढक के रखी हुई है, ये देख लो भाई ये पीछे जामा मस्जिद है आपकी, भाई काफ़ी अंदर आ चुके हैं हम मार्केट के, यहाँ पर ये शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं भाई ने, और ये देख लो भाई अपना मिक्सी वगैरह रखी हुई है भाई ने, अभी देखते हैं क्या है, यहाँ पर ये शॉवर वगैरह टाइप कुछ रखा हुआ है, और यहाँ पर ये लीड्स वगैरह रखी हुई है मोबाइल की, यहाँ पर भी वॉचेस वगैरह मिल रही हैं आपको, तो भाई भाई हॉर्न रख के बैठा हुआ है यहाँ पर, ये स्टेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ से, और आगे चलते हैं, ये लीड चार्जर रख के बैठे हैं भाई यहाँ पर, लीड और चार्जर है आपके, लैपटॉप का चार्जर भी है, ये वही मिक्सी वगैरह रख के बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये लैपटॉप वगैरह लैपटॉप ये रहे, फोन के कैमरे वगैरह, भैया कौन सा कैमरा है ये है फुल HD मेमोरी कार्ड वाले, अपने पास छोटा GoPro टाइप होगा कोई, वो नहीं पिक किया, घड़ी दे दूंगा घड़ी, फोन भी है उसमें कैमरा भी है, दिखाओ दिखाओ, भाई बिल्ली टूटा ना, इसमें वायर तो लगा के टूट
जब भाई क्या प्राइस का है ये? 650 का है। ओके, स्मार्ट वॉच कितने की है भाई? कोई देखते हैं भाई क्या मिलता है, अपनी किस्मत में जो होगा वो लेके जाएंगे। अगर मिल जाता है तो लैपटॉप वगैरह भाई होगा, देख सकते हैं भाई। सब लोग यहाँ मना कर रहे हैं वीडियो बनाने से, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। भाई जूता है जो मेरा पानी से पूरा फ्लो भर चुका है। भाई देख लो ये लाइन है सीधी गली, ये वहीं से जो जहाँ से हम एंट्री करिए लाल किले के सामने वाली गली है, सीधे अंदर आते जाओ आपको हर चीज़ मिलती जाएगी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक का सामान ये वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ से। ये एंड तो गली जाती है पूरी छतरी में आ रहे हैं। देख लो भाई लोग छाते लेके आ चुके हैं, बारिश लगातार हो रही है। देख लो आप कैमरे में हुक करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा शेर देखो पूरा गिर चुका है, अंदर की स्किन तक दिखेगी पूरी। देख लो यहाँ का माहौल, पूरा माल भीग चुका है और अपना पूरे कपड़े भी भीग चुके हैं अपने, बारिश चारों तरफ हो रही है यहाँ पर आप देख लो। जूते वही साले नकली हैं सब यार, जो ओरिजिनल वगैरह मिल रहे थे वो बाहर पटरी में मिल रहे थे। बोलो भाई हॉर्न गाड़ी आ गई यहाँ पर, हम तो सोच रहे थे शायद कोई गाड़ी आ रही है इतनी देर से हैं, अब ध्यान में आया कि साला हॉर्न बजा रहे हैं भैया ये। साइकिल मिल रही है 1000 रुपये में। साइकिल बेच रहा है क्या भाई पूछे जरा? ये मेट्रो वाली साइकिल है वो जो अभी नहीं चलाते, वो जो लगी होती है जो सीपी सूपी में, हाँ सीपी में जो लगी रही है। हेलो भाई शैम्पू ले लो, यहाँ नहीं गए ना इस साइड, इस साइड नहीं गए ना, और चल के देखते क्या है यहाँ पे। बारिश की वजह से सारा बिल्कुल तहस नहीं सुबह पड़ा भाई, देख लो यहाँ पर कितना मुश्किल है यहाँ से जाना है वहाँ तक। अबे अबे चले भाई का छाना है। भाई आज तक आपने ऐसा ब्लॉग नहीं देखा होगा जो आज बन रहा है, किसी भी ब्लॉगर ने आज तक ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया होगा बारिश के अंदर। ये भाई हम बनाने वाले पहले हैं क्यों रवि? बारिश में ब्लॉगिंग चल रही है भाई, मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ का क्या है क्या नहीं है। संडे का सुबह भाई कौन उठ के आता है, बस आप लोगों के लिए उठ के आए हैं भाई हम। देख लो मार्केट का क्या ही हाल है भाई, यहाँ पर सब तहस नहस हो गया भाई यहाँ पर बारिश के चक्कर में, बाजार लगा ही नहीं है बिल्कुल भी, बेचारे ऐसे ही रख रख के बेच रहे हैं अपना सामान, ये सब बुरा हाल है भाई यहाँ पर, चारों तरफ बारिश ही बारिश है, लेने वाले भी परेशान बेचने वाले भी परेशान। ये देख लो भाई आपको यहाँ पे बैग भी मिल जाएंगे, यहाँ पर शायद और बाजार भी लगा हुआ है। अभी नहीं आया था, ये भी उधर ही थे ना, ये वो बोली है यार अपनी पार्किंग के सामने वाला हिस्सा है ये, जहाँ से हम बाहर से सीधे सीधे निकल गए थे ना अभी, ये बोला है। तो भाई यहाँ ख़रीदने वाले भी परेशान हैं, बेचने वाले भी परेशान हैं बारिश के चक्कर में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पानी देख लो वहाँ पर कैसे भरा हुआ है, पूरा समुंदर बना हुआ भाई यहाँ पर, इतना पानी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं लगातार आपके लिए। क्यों अभी? हाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और अपना कैमरा भी पूरा एकदम भीग चुका है लगभग है, फिर भी हम पूरा एफर्ट डाल के हम आपके लिए ब्लॉग तैयार कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं लगातार। आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई होगी ऐसे किसी ने बारिश के अंदर, वो भी ऐसी जगह पे, देख रहे हो जगह कैसी है ये।
एक तरह का चीज़ मतलब हर एक तरह का आइटम। भाई आप आओगे यहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है, बस ढूंढने के ऊपर है भाई। सस्ते अच्छे रेटों में, सस्ती और सही अच्छे रेटों में मिल जाएगा। हाँ बार्गेनिंग होती है यहाँ पर, बार्गेनिंग थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी। सामने वाला जो प्राइस बोलता है वो प्राइस मत देना कभी भी यहाँ पर, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग होता है जो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी स्मार्ट वॉच पूछी थी पीछे वहाँ पर, स्मार्ट वॉच उस भाई ने 2500 रुपये बोली थी, फिर मैंने उसे एक ही दाम पूछा था। मैं कहा भाई लास्ट कितने की देगा या सर नो वाला प्राइस बताइए। उस भाई ने मेरे को बोला था कि लास्ट 800 रुपये लग जाएगी आपको या सर नो। देख लो 2500 से 800 और बंदा आ सकता है, तो भाई आप बार्गेनिंग कर सकते हो बंदे के साथ। तो भाई पीछे रवि कह रहा भाई कि पीछे देखो हमारे लाल किला है, भाई लाल किला को खरीदने आए थे तो बेचने वाला मिला नहीं है, तो बारिश की वजह से कोई मिला नहीं है, तो जा रहे हैं वापस। तो भाई वापस जा रहे हैं। तो भाई वीडियो को करते हैं यही एंड, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो का पार्ट तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, ये कमेंट कर सकते हो। तो भाई वीडियो को ज़रूर शेयर करना भाई, तो वीडियो आप लोगों के लिए बनाइए भाई, देख लो यहाँ का मनोरंजन पूरा। ये पार्किंग है भाई अपनी, अपनी स्कूटी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना भाई कोई भी पार्ट अच्छा लगा वीडियो का। ओके भाई टेल देन बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलेंगे। सिर नीवा हुंदा बस रबे अगे नी ओ जगबरू ते किसे दा ना खौफ चलदा। सिर नीवा हुंदा बस रबे अगे नी ओ जगबरू ते किसे दा ना खौफ चलदा।